अगर आपका वजन ज्यादा है और आपने कभी भी वजन कम करने का सोचा ही नहीं, इस डर से कि बहुत ही मुश्किल है, कैसे करेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से घबराहट हो रही है, तो आपको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, सिर्फ 5 या 6 किलो कम कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपको हल्का फुल्का लगेगा, किस तरह से आप तंदुरुस्त फील करेंगे, है ना शांत? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपकी टेबल पे मैं सोयाबीन देख रही हूँ, ये सोयाबीन है? सोया ग्रैन्यूल्स है। जी जी, आप इसका कुछ बना सकते हैं क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए तो मैं ये लेके आया हूँ क्योंकि आज हम जो बनाने वाले हैं वो है सोया कटलेट्स। क्या बात है, तो क्यों ना वेट लॉस में कटलेट्स, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, इसी तो खास चीज होगी। क्या बात है, चलो शुरू करता हूँ। जी जी जी, पैन हल्के से गर्म होने दीजिए, तब तक मैं इसमें ले लेता हूँ थोड़ा सा तेल। सबसे पहले जो प्याज है वो डाल लेते हैं इसमें जी। प्याज के बाद बारी आती है अदरक की, तो 1 चम्मच अदरक इसमें डाल लिया। जितना अदरक है उतना ही लहसुन डाल लिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ये जो धनिया पाउडर है ये भी इसमें डाल ली। बहुत खूब। और थोड़ा और तेज तीखा बनाने के लिए थोड़ी सी कटी हुई मिर्च जी। हल्का सा भून लेते हैं। जब लोग वजन कम करना चाहते हैं ना, तो उन्हें एक ही चिंता खाई जाती है, पता है क्या है? उनको भूख लगती रहती है। हाँ जी, ये सारा तो दिन भूख लगती रहती है। तो आप बड़ा अच्छा ये स्नैकिंग आइटम वैसे बना रहे हैं। हाँ, सोया कटलेट्स तो ये बीच बीच में जब लोग खाते हैं, इसमें एक तो प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में टाइम लगाता है, उसकी पाचन में बहुत समय लगता है, 5 या 6 घंटे लग जाते हैं, तो 5 या 6 घंटे तक आपको फिर भूख नहीं लगती, ये अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। तो इसमें अब हमने डाल लिया बेसन जी, क्योंकि हम मैदा यूज नहीं कर रहे हैं, ना हम आलू यूज कर सकते हैं, तो हमने इसमें हल्का सा बेसन डाल दिया है। मैदा और आलू हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि मैदे से वेट बढ़ जाता है, आलू से भी वेट बढ़ जाता है, तो हम कैसे कटलेट बनाए, लोग अक्सर आलू डालकर ही बनाते हैं। हाँ जी, लेकिन हम शांतनु जी ये सिखा रहे हैं आपको कि बिना आलू के भी कटलेट टेस्टी कैसे बन सकती है। चलिए, तो अब इसमें हमने सोया डाल दिया है, बेसन से जो बाइंडिंग आती है कटलेट की जी, वो उसके लिए खासकर हमने बेसन यूज किया है इसमें, ताकि कटलेट की बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाए जी। तो जब ये हमने इसमें डाल दिया है, तो अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे जी, और फिर डालेंगे हल्का सा कटा हुआ धनिया। अब ये जो है बेसन, ये पकेगा इसमें, जुड़ा जुड़ा सा लगेगा बाइंडिंग जी। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कटलेट का मिक्सर है, ये यहाँ पे मिश्रण रेडी हो गया है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, खुशबू तो अच्छी आ रही है, टेस्ट भी उतना ही बढ़िया होगा इसका। चलिए, अपना जो मिक्सर है तो रेडी है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिक्सर को पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एकजुट कर लेंगे इसको। अब बनाएंगे इसकी कटलेट जैसी टिक्की, दो हाथों के बीच में इसे ऐसे गोला बनाकर प्रेस करेंगे, इसी तरह 4 या 5 टिक्कियां बना लेते हैं। वैसे जो लोग सोयाबीन नहीं खाते, पनीर की भी टिक्की बना के पनीर खा सकते, बना है, सकते है जी। इसी तरह से पनीर भी हाई इन प्रोटीन ही है जी। जी, बच्चों को चीज वैसे ज्यादा पसंद है, लो फैट चीज आजकल मिलती है दुकानों में, तो वो बच्चे जो थोड़े से ओवरवेट हैं और उनको अपना वजन कम करना है, तो मैंने ये देखा उनको चीज बहुत पसंद है, लो फैट चीज, तो आप उसके स्लाइसेस भी बच्चों को दे सकते हैं बीच बीच में, ताकि उनकी भूख भी कम हो जाए, उनको काफी कैल्शियम भी मिले। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना है, जो बेसन है वो भी इसमें हल्का हमने भून के लिया था, तो पका हुआ है, लेकिन जब तक कटलेट्स को बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर ना हो मजा नहीं आता है, तो इसे 2 से 3 मिनट एक तरफ और फिर दूसरी तरफ पकाते हैं। तो ये जो कटलेट्स थी हमारी, हमने दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से बहुत बढ़िया कलर है, कम तेल में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बना दिया है जी जी, और क्रिस्पी भी है, पक भी चुका है, तो क्यों ना इसको परोसे। बिल्कुल, चलिए ये कटलेट हम ले लेते हैं एक एक करके। चलिए, आपका जो ये कटलेट है ये तो रेडी है जी, क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़ के हम और इसी की गार्निश भी करते हैं। तो ये नींबू जो है ये हमने इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़क दिया है और इसकी गार्निश कुछ ऐसे जी, थोड़े से फ्रेश जो है ये पुदीने के पत्ते
और आप चाहे तो इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जीरा और टमाटर की चटनी है जो कि चटपटी है। बढ़िया, तो मैं इसके साथ परोसता हूँ। एंड ढंटड एंड आपका जो कटलेट है हेल्दी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। सोया कटलेट्स बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और हरी मिर्च डालकर भून लें। अब बेसन और सोया डालकर मिला लें। थोड़ा पानी और धनिया डालकर अच्छे से पका लें। अब इस मिश्रण में नमक मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोली बना लें। एक दूसरे पैन में तेल गरम करें। कटलेट्स को तब तक सेक लें जब तक वो दोनों तरफ से सुनहरे भूरे रंग के ना हो जाएं। एक प्लेट में निकालकर नींबू का रस डाल लें। नींबू के टुकड़े और पुदीने से सजाकर जीरे टमाटर की चटनी के साथ परोसें।